गुजरात अहमदाबाद इस्कॉन ब्रिज रे हिट एंड रन सड़क दुर्घटना देखुथिबा बेले लोकों ऊपर माड़गला जगुआर कार जेउतरे जने पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड को समेत 9 जनकर मृत्यु होई छी 15 अधिक लोक आहत होई छंती। विलंबित राति रे इस्कॉन पोलो ऊपर एक थर गाड़ी और डंफर भीतर धक्का होईतिला। दुर्घटना को देखिबा पई पोलो ऊपर लोकों भिड़ जमीतिला। एई समय रे तीव्र बेगरे आसुथिबा जगुआर कार टी लोकों भिड़ ऊपर माड़ी चली जाईतिला। जो समय कार रो घंटा प्रति बेग थिला 160 किलोमीटर जेथरे 9 जनकर मृत्यु होई छि। आ बड़ कथा होई छि थर ओ डंफर मध्य रे होइतिबा धक्कार तदंत पाई जाइतिबा कांस्टेबल होमगार्ड कर मध्य घटना स्थल रे मृत्यु होई छि। गुरुतर आहतंकु निकटस्थ हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाई छि। दुर्घटना को नै उत्तेजना लागि रहितबा बेले पुलिस तदंत चलाई छि। अहमदाबाद रे इस्कॉन ब्रिज सामना रे हिट एंड रन मामला सामना को आसी छि जे उथरे 9 जनकर मृत्यु होई छि अनेक लोक आहत होई छंती समान वर्तमान हॉस्पिटल रे भर्ती होई छंती। बड़ कथा होछि गोटिए दुर्घटना घटी सारी थिला सेठारे पुलिस पहुंची थिले होमगार्ड थिले एवं तारी भितरे लोकमानकर भिड़ देखिबा को मिलथिला दुर्घटना घटिबा परे। किंतु आउ गोटे जगुआर कार एते स्पीड रे आसला द्रुत गति सीधासळख लोकों ऊपर चढ़ी गला माड़ी की चली गला मध्य एभली घटना सामना को आसी इस्कॉन ब्रिज सामनारु जेते बेले होम एभली घटना घटिला अनेक लोक से घटनास्थल रे थिले एवं समस्त को ऊपर जो जगुआर कारटी माड़ी चली जाई छि। अहमदाबाद प्रतिनिधि आमर नवीन झा मो सहित अच्छा अधिक अपडेट देवा पाई। नवीन ये दुर्घटना जो घटी है ये जो हिट एंड रन मामला है पूरा घटना क्या था? कल रात लेट नाइट की घटना है। ये अहमदाबाद का पॉश इलाका कहा जाता है, इस्कॉन जो सर्कल है वहाँ पॉश इलाका है। वहाँ सबसे पहले एक थार और एक डंपर के बीच में एक एक्सीडेंट होता है जिसके लोग खड़े होते हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक होमगार्ड का जो जवान है वो भी खड़ा होता है। और उस दरमियान में एक जो सत्य पटेल करके बंदा है जो अपनी जगुआर कार को लेके पीछे से आता है और बहुत जोर से जो टक्कर मारता है जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट 5 लोगों की मौत हो जाती है और जो मतलब हॉस्पिटल में जो जिनकी इलाज चल रहा था उसमें से भी कुछ 4 लोगों की मौत हो जाती है, मतलब कुल 9 लोगों की मौत होती है। और ये जगुआर जो गाड़ी चला रहा था सत्य पटेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्य पटेल आरोपी जो है इस केस में उसके फादर भी एक क्रिमिनल है। 2020 में उसके फादर के खिलाफ में भी एक गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ था और जिसमें वो आरोपी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी फैमिली इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड रखती है। और जिस तरह से पूरी घटना हुई है पूरा पौश इलाका है, कल रात से ही जो आला अधिकारी हैं आईपीएस कक्षा के ऑफिसर्स हैं घटना स्थल पे मतलब के जहां पे घटना हुई है वहां पे पहुंच चुके हैं और जो 9 लोग अभी मौत जिनकी हुई है और काफी लोग इंजर्ड भी हैं सबकी जो इलाज अभी जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में चल रहा है। स्वाति, जिन लोगों का इलाज हो रहा है उन लोगों का क्या कहना है? वो लोग घटना में थे? बिल्कुल, जो जिनका इलाज चल रहा है उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये थार और जो एक डंपर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको देखने के लिए लोग खड़े थे, आसपास के लोग बचाव के लिए आए थे। उस दरमियान ये जगुआर गाड़ी जो पीछे से आती है और काफी जोर से जो टक्कर मारती है जिसकी वजह से उन लोगों को जो है इंजर्ड होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तथ्य पटेल नशे में था कि किस तरह से था वो सारी इंक्वायरी जो एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि तथ्य पटेल को भी काफी चोटें आई हैं, वो अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको अभी नजर कैद किया गया है, उसको पकड़ के मतलब उसको पुलिस है वहां पर रखी गई है और उसके होश में आते ही मालूम पड़ेगा कि पूरी घटना के पीछे का असली कारण क्या, असली वजह क्या है। जी नवीन, दूसरी बात है कि कांस्टेबल और होमगार्ड वो लोग भी वहां पे थे और उन लोगों की भी मौत हुई है और इस घटना को लेकर 9 जन का मौत हुई, इसका मतलब ये छोटी बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल छोटी बात नहीं। आप मान सकते हैं कि अहमदाबाद का इलाका जो एक पॉश इलाका है, इसको मैं बता रहा हूं कि अहमदाबाद पश्चिम जो इलाका कहा जाता है जहां पे आईपीएस और बड़े बड़े लोग रहते हैं उस इलाके के अंदर इस तरह की घटना। और आप देख सकते हैं कि जगुआर कार वो बिल्डर का बेटा है और जिस तरह से उसने ये टक्कर मारी है जिसको लेके बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो लोग जो दावा करते हैं रात को स्पीड गन से चेकिंग का, तो वो सारे की सारे बातें हैं वो साइड में रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो रात की जो पेट्रोलिंग और रात का जो उनका जो ट्रैफिक नियमन और जो स्पीड गन की बात होती है वो भी खाली एक चौप मतलब एक खाली कायदा बना दिया गया है उसकी वही दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई किसी भी प्रकार की कोई इंप्लीमेंट ना किया गया इस प्रकार के भी दृश्य देखने आ रहे हैं क्योंकि 9 लोगों की जान गई है जिसमें गुजरात के अलग अलग लोग थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ स्टूडेंट थे। तो काफी दुखद और काफी गंभीर घटना बताई जा रही है। स्वाति जी,
जी बहुत धन्यवाद अभी के जानकारी के लिए आपको नवीन झा जहाँ अधिक अपडेट देउतले वर्तमान समय नौ जन मृत्यु होगा पर गोटे बड़ चिंता कारण एवं जो जगुआर कार्टी सत्य पटेल चलाउथिले नवीन झा कहते से सत्य पटेल फैमिली बैकग्राउंड में क्रिमिनालीटी रही अर्थात बापा जी सत्य पटेल ना पूर्व केस रही मामला रही वर्तमान समय सत्य पटेल निशाशक्त अवस्था गाड़ी चलाउथिबा कथा सामना को आसी तेज ए दिगरे तदंत चली सत्य पटेल निजे आहत होती हस्पिटा भर्ती होती पुलिस बयान मध्य रेकर्ड करने को अपेक्षा कर समय को ब्रेक रा ब्रेक परे आगो को देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया आज भारत वेस्टइंडीज द्वितीय अंतिम टेस्ट परस्पर शहेतम टेस्ट खेलिबे उभय टीम प्रथम टेस्ट रे विजय सह भारत 1-0 रे आगुआ वेस्टइंडीज पाई करबा मोर स्थिति सेबडे 500तम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलिबे विराट कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया इंस्पेक्टर एवं पांच जन होमगार्ड अच्छा सेंट्रल क्राइम ब्रांच टीम बेंगलुरु आतंकी लिंक रे पांच संदिग्ध युवकों को गिरफ्त करेछि। बेंगलुरु रे विस्फोरण योजना करुथबा समय रे मारी बसीछि सेंट्रल क्राइम ब्रांच टीम। गिरफ युवक मानकर निषिद्ध आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा सहित संपृक्ति थिबा सूचना मिलिछि। पांच युवक हेउछन्ति जुनेद, सोहेल, उमर, मुदासिर एवं जाहिद। सेमानक ठारु मोबाइल फोन सहित विभिन्न विस्फोरक सामग्री बोमा तयारी सरंजाम जबत होइछि। गुजरात राजकोट जिले में जारी रही प्रबल वर्षा। धोराजी पंथक 8-9 इंच वर्षा होगा कारण चारिआड़े जलमग्न स्थिति उपजी। धोराजी बाहरपुरा ख्वाजा साहेब दरगार आखपाख अंचल कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि होता। दरगा आगे 50+ कार पानी में बुड़ जाता। से रामपारा अंचल कृत्रिम बन्या स्थिति सृष्टि होता। ताजमहल को जमुना विपद। आग्रा जमुना नदी विपद संकेत प्रवाहित बन्या जल ताजमहल पाचेरी को लागी जाइछि। 45 वर्ष परे बन्या जल ताजमहल पाचेरी को छुइछि। तबे बन्या पानी ताजमहल भितरे प्रवेश करिवो नाही बोली कहिछन्ति विशेषज्ञ कारण एहा सही अनुजाई निर्माण होइछि। जमुना नदी तट ठारु बहु उच्चरे रहिछि ताजमहल चौतरा। उछुला जमुना नदी को देखि पर्यटक माने बेस आनंद उठाइथिले। उत्तर भारत रे लगाण वर्षार प्रभाव। खुलिछि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर प्रदेश रु आसाम जाए यार प्रभाव देखा मिली। ब्रह्मपुत्र नदी फुलिबा परे आसाम रो काजीरंगा जातीय उद्यान बन्या पानी रे बुड़ी जाइछि। फलरे जंगल छाड़ी रास्ता उपर को चली आसी काजीरंगा जातीय उद्यान रो अनेक पशु रास्ता छंते गंडा और हरिण। वन्यजंतु माने जातीय राजपथ उपर को चली आसी थिबारु गाड़ी धीरे चलाइबा को परामर्श दिया जाइछि।